हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा राधे राधे गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है आज हम पाँच और छः नंबर के साइज़ की सॉक्स बनाएंगे बहुत ही सुंदर सॉक्स बनके तैयार होते हैं उनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और तो मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना शेयर करना और बेलाइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना ये देखिए ये मैंने सॉक्स बनाए हैं ये बहुत ही अच्छे सॉक्स बन के तैयार होते हैं इनकी फ़िटिंग देखिए आप बहुत अच्छी फिटिंग है दोनों की देखो यहाँ भी टाइट नहीं है और ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं ऊपर तक देखिए पीछे से भी ये देखिए फिनिशिंग इनकी बहुत अच्छी है ये पीछे से ये देखिए बहुत अच्छी ये सॉक्स और इनकी पैटर्न भी बहुत अच्छा है कहीं से भी ये मतलब फिटिंग बहुत अच्छी इनकी फिटिंग आती है आप बना के देखिए ये देखिए दो कलर से मैंने बनाए हैं और मैंने उतार के भी आपको दिखा दिए और इनकी फिनिशिंग देखो आप पीछे से भी बहुत अच्छा पैटर्न है ये एक बार बना के देखिए तो मैं ये बनाना शुरू करती हूँ ये देखो ग्रीन ले लिया है मैंने ऊन और ये पर्पल है दो कलर से बनाऊंगी और चाहो तो तीन कलर से भी ये बन सकता है और पाँच और छः नंबर का ये साइज है और इसकी फिटिंग तो बहुत ही अच्छी आती है तो मैं ये ग्रीन से शुरू करूँगी और ये फंदे हम सिंपल ही डालेंगे ऐसे करके ये नोट लगाई मैंने यहाँ जैसे आपको आते हो उस तरीके से भी डाल सकते हैं फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है ये देखिए ऐसे करके नोट लगा ली और हम सिंपल फंदे डाल लेंगे इसमें ऐसे करके ये ऊपर किया और इधर का धागा इधर किया और ये ऐसे करके हम फंदे डालेंगे इसमें तो सैंतीस फंदे हमें डालने हैं थर्टी सेवन ये देखिए ऐसे ऐसे और इस धागे को हम ऊपर करेंगे फिर ऐसे इसको ऐसे दिखा देती हूँ मैं ये करा और ये और ये जैसे जिस तरीके से आपको आते हों उस तरीके से डाल सकते हो पैर में दबा के मैं डालती हूँ तो वो अच्छे से पड़ जाते हैं ये सलाई को और सलाई मैंने नौ नंबर की ली है ये देखिए नौ नंबर की सलाइों से बनाऊँगी और ये जो ऊन आती है वो कटती नहीं है सॉक्स वाली ऊन है ये तो चलो यहाँ पर फंदे डाल लीजिए सैंतीस फंदे देखिए मैंने सैंतीस फंदे इसमें डाल लिए हैं थर्टी सेवन सैंतीस फंदे डाल लीजिए उसके बाद हम ये पहला जो हमारा फंदा है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे पहला जो फंदा है ऐसे करके और ये जो हमारी सलाई है उसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ये देखिए दूसरे से ही मैं बुन रही हूँ उल्टा उल्टा बुन रही हूँ एक ही बस उतारा है ये देखिए एक ये उतार लिया है और ये उल्टा बुन रही हो धागा इधर उधर करते जाइए ताकि हमारा साथ में बुनता चला जाए ये सॉक्स वाली ऊन है ये देखिए उल्टा सारी सलाई यहाँ से लेके वहाँ तक लास्ट वाला भी हमें उल्टा ही बुनना है उतारना नहीं है उल्टा बुनना है चलो कर लीजिए ऐसे करके उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट फिर आगे दिखाती हूँ मैं ये देखिए ऐसे उल्टा उल्टा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक देखिए ये सिलाई हमारी बन के कम्प्लीट है ये लास्ट वाला भी मैंने उल्टा ही बुन लिया है अब हम इस साइड आएंगे तो इधर हमने पर्पल -पर लगाना है तो ये सीधा बुनूंगी मैं ऐसे करके तो यहीं से हम पर्पल -पर लगा लेंगे जो भी कलर हो उससे लगा लीजिए ऐसे करके और उसके बाद ये देखिए एक बार फिर मैं ऐसे करके सीधा बुन रही हूँ ये दो कुंडे दिख रहे हैं ले, लेकिन एक ही है क्योंकि ये फोल्ड करके ले लिया मैंने ये धागा था तो बुनता चला जाएगा इसलिए तो हमारा पैटर्न चार चारियों में कंप्लीट होगा चार सिलाइया बनाएंगे तब तो एक पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा हो। तो ये एक तो हम काउंट नहीं करेंगे ये किनारे वाला हमारा है जो उसके बाद ये एक है फिर हम एक उतार लेंगे फिर एक को बुन लेंगे फिर हम एक उतार लेंगे एक को बुन लेंगे फिर हम एक उतार लेंगे एक एक को बुन लेंगे बहुत है ये देखो। एक को और एक बुन लिया ये देखिए देखिए तो देखे, मैंने यहाँ अठारह फंदे बुन लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अठारह फंदे बुनने के बाद हमारे यहाँ बढ़ाना शुरू करेंगे हम यहाँ से ये जो धागा दिख रहा है यहीं से हम इसको वही सेम हम पैटर्न हमारा रहेगा इस धागे को हमारा नीचे एक धागा निकल गया था मेरा तो मैं इसको सही करके फिर बताती हूँ आपको देखिए अठारह फंदे मैंने बताया था इधर ये मैंने बुन लिए हैं अठारह हैं उसके बाद मैं यहाँ बढ़ाऊंगी तो ये मेरा कुंडा पहले ही जब यहाँ पर था तो निकल गया था तो मैंने सही कर लिया है तो ये जो धागा इधर है हमारे साइड में जो होता है ये धागा इसको हम उठा के बढ़ाएंगे ऐसे करके जो ये आप देखोगे पहला ही होता है ये फंस रहा है थोड़ा सा इधर से ये तो हमारी जो एड़ी की सेप है वो बहुत अच्छी आती है ये जो धागा है देख रहे हो ये इसको मैं उठा रही हूँ ऐसे करके और ये बोल लेंगे हम वो पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा तो देखिए एक बार एक बढ़ गया हमारा और फिर यहीं सेम जगह उठा लो फिर ये थोड़ा हमारा टाइट है दागे तो थोड़ा सा ये ये देखो ऐसे करके ये जो दो दो हैं, इनका एक जो ऊपर वाला है वो उठाना है ऐसे करके दो हो गए और फिर इसको बुनना है फिर अगला ये तीन हो गए और फिर ये बुनना है और ये चार हो गए थोड़ा सा इसमें दो होते हैं ध्यान से देखोगे तो ये एक हमें उठा लेना है ये जो ऊपर होता है हमारा ऐसे करके ये ऐसे तो ये चार हो गए चार बार हमें ऐसे ही करना है तो हमारी जो एड़ी के नीचे गुलाई आती है वो इससे सही आएगी और फिर उसके बाद हमारे चार हो गए सेम पैटर्न वही रहेगा फिर एक उतारना है और एक बुनना है चार सलाइयों से ही एक पैटर्न बन के कम्प्लीट होगा ये देखो सेम ऐसे ही और लास्ट वाला भी मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ बस ये इस सिलाई में बढ़ाना है एक में और बढ़ा बढ़ाना है फिर हमारा सीधा चलेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है बस बढ़ाने में बस यहाँ हल्के से आपको ध्यान देना पड़ेगा तो देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ तो एक ये हो गया और हमने जैसे इधर शुरू में दो किए थे तो हम इधर भी कर लेंगे इसको उतार लेंगे ये देखिए इसको उतार लेंगे और ये दो बुन लेंगे दो बार उधर थे दो तो इधर हो जाएंगे ऐसे ये हमें एक जैसे रखने हैं ये दो हो गए और दो ही मैंने इधर भी किए थे सीधी साइड ये देखिए दो है देखिए अब जो भी पैटर्न बनाइए ये करने के बाद दूसरा धागा लगाने के बाद जब उल्टी साइड हम आते हैं तो ये हमें उतार लेना है बुनना नहीं है और ये धागा ये देखो उतारने के बाद धागा हम इस साइड ले जाएंगे ऐसे करके और ये जो हमारा है पर्पल इसको नाँस्त। हम सीधा ऐसे बुन देंगे और ये उतार लेंगे वो ही सेम पैटर्न रहेगा और फिर हम इसको बुन देंगे सीधा ऐसे करके और इसको हम उतार लेंगे ऐसे और ये बुन देंगे इसे उतार लेंगे देखिए जो जिस कल इस पर्पल वाला हम बुनते जाएंगे और ये उतारते जाएंगे जो हमने उतारा था वो उतारेंगे और जो हमने बुना था वो हम बुन लेंगे ये देखिए ये उतारना है फिर ये बुनना है अब हमारे ये बीच के जो हमने चार किए थे उनको भी हम उतार लेंगे ऐसे करके मैंने उतारा है ये जो उठाए थे और बुन लिया फिर ये जो हमने उठाया था फंदा इसको उतार लिया उसको भी वही सेम पैटर्न रहेगा ये देखो उनको चारों को हम ऐसे उतार लेंगे ये सिलाई पैसे करके और ये पर्पल को बुन लेंगे और ये उठाया हुआ फंदा है इसको भी हम उतार लेंगे और इसको हम बुन देंगे फिर इसको हम उतार लेंगे ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए हैं और फिर सेम वही चलेगा सेम वही चलेगा उठाए हुए भी हमें ऐसे ही करने हैं यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए ये देखिए लास्ट वाला फंदा है तो इसको हम ऐसे धागा को करेंगे और ये उल्टा बना लेंगे लास्ट वाला बस बाक़ी हमारा सेम रहेगा तो चैन सी हमारी बनती जाएगी किनारे पे ये देखिए अब हम सीधे साइड आ गए तो सीधी साइड ये ऐसे ही उतार लेंगे निकल गया ये सीधी साइड हम आएंगे तो इसको बुनेंगे नहीं बिना बुने बुने हम उतारेंगे और इसको हम बुन लेंगे अब हमें ये पर्पल से ही बुनना है और ये जो हमारा फंदा था ये बीच वाला जो हमने उठाया था अब हम इसको ऐसे नहीं बुनेंगे इसको बीच में से बुनेंगे ताकि हमारा ये मुड़े नहीं ऐसे करके ये इसको इस तरीके से बुनेंगे और उठाया हुआ हम ऐसे बुनेंगे बीच में से डाल के सिलाई को ये हमारा बनता जाएगा पैटर्न फिर हम इसको ऐसे ही ये सारा इसी कलर से बनाना है अब हमें नहीं करना है कहीं भी और हमारा उठाया हुआ फंदा ऐसे डालेंगे डालें और ये बुन देंगे चलो यहाँ से वहाँ तक कर लीजिए फिर मैं आगे दिखाती हूँ एक ही कलर से ये ये देखो सीधी साइड है तो इस फंदे को लास्ट वाले को हम सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से हम उल्टा ही बनाएंगे देखो बना लिया है ये हमारी सिलाई बन के कम्प्लीट है अब देखिए तीन सिलाइयाँ तो हमने सीधी सीधी बनाई थी अब ये चौथी सिलाई हमारी तो हम इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे करके ये ये भी उल्टा बना लेंगे यहाँ से वहाँ तक आप उल्टी बना लीजिए दो सलाइयाँ हमारी इसी कलर से देखो बनी है ये ये उल्टी उल्टी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिए फिर आगे दिखाती हूँ मैं देखिए उल्टी बना रही हूँ देखिए हमारी चार सिलाइयाँ बनके कंप्लीट हो गई हैं तो चार सिलाइयों में एक पैटर्न हमारा बनता है अभी आपको समझ नहीं आएगा ये कलर भी कुछ वैसा है आप येलो या और भी कलर ले सकते हो जब लंबा होगा तब इसमें समझ आएगा चार सिलाई में हमारा पैटर्न बन के कम्प्लीट होता है ये देखो कुछ इस तरीके का ग्रा अब मैं यहाँ ग्रीन लगाऊंगी ये ये ऐसे करके हम दो सलाइयाँ सेम वही रहेगा जो भी सिलाई लगाते जाओगे ये दो हमें इससे बुननी है और फिर ये उतारना है फिर एक बुनना है फिर एक उतारना है जो हमने नीचे किया था वही सेम रहेगा हमारा फिर एक बुनना है एक उतारना है एक बुनना है ये देखिए ऐसे ही चलो कर लीजिए फिर मैं बताती हूँ थोड़ा देखिए हमने बीस फंदे यहाँ बुन लिए हैं उठाया ऐसे ही बताया है जैसे देखो दो तो चार तो छः सात आठ नौ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस बीस फंदे हमने बुन लिए हर बार आपको यहाँ दो करने हैं और इस साइड भी ग्रीन दो करने है जिस कलर से बना रहे हो अगर ये पर्पल का बना रहे हो तब भी दो इधर दो तो वो ही रहेंगे सेम हमारे एक ही कलर के और फिर इसके बाद हमें दो फिर बढ़ाने हैं वो चार सॉरी बढ़ाने हैं जैसे हमने नीचे किए थे बस इसके बाद हमें कहीं भी बढ़ाने नहीं हैं ये ऐसे ही हम उठाएंगे इसको धागे को और इसको हम बुन लेंगे तो एक हो गया और फिर देखो ये दो हो गया और ये तीन और ये चार चार बढ़ा लिए अब हमारा सेम पैटर्न वही रहेगा ऐसे ही उठा उठा के हमें बढ़ाने हैं चार बढ़ने के बाद फिर हम ऐसे ही करेंगे एक को उतारेंगे एक को बुनेंगे ऐसे करके यहाँ से वहाँ तक कर लीजिए अब देखिए लास्ट में हमने ये उतार लिया और ये दो बुन लेंगे ग्रीन से अगर आपका गड़बड़ होगा तो यहीं पता पड़ जाएगा दो नहीं बचेंगे कम ज़्यादा अगर किसी के दो कर लिए तो यहाँ पता पड़ जाएगा बस अब हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है अब हमारा सेम पैटर्न वही रहेगा और जब हम ये बुन के जब आएंगे तब हर बार यही करना है इसको हम बिना बुने ऐसे ही निकाल लेंगे और इस धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे और इसको हम बुन लेंगे और इसको उतार लेंगे सेम वही रहेगा फिर हम इसको बुन लेंगे और जो हमारा उतारा हुआ है वो उसको हम उतार लेंगे यहाँ से वहाँ तक कर लीजिए कंप्लीट फिर आगे दिखाती हूँ देखो ऐसे करके वही सेम रहेगा हमारा चार सिलाइयों से बन के कम्प्लीट होगा फिर हमारी दो ग्रीन की चलेंगी देखिए ये मैंने उतार लिया और ये बोल लिया जिस धागे से कर रहे हो जो उतरा हुआ है उसको उतारेंगे चलो कर लीजिए यहाँ से वहाँ तक देखिए इस धागे को हम लास्ट जो बचा है इसको हम इधर धागा करेंगे और ये उल्टा बन लेंगे ऐसे करके ये देखिए हम सीधे साइड आ गए हैं तो ये फंदा हम बिना बुने निकाल लेंगे ये बिना बुने निकाल लेंगे हम इसको और ये बुन लेंगे अगला फंदा ये ऐसे करके और फिर इसको भी बुनेंगे हमारा वही सेम पैटर्न रहेगा जिससे हम शुरू करेंगे वही अब चार सिलाइयाँ उसकी ही कंप्लीट होंगी यहाँ देखिए फिर हम इसको बुनेंगे और ये बीच वाले को हम ऐसे करके निकालेंगे ताकि हमारा उल्टा ना हो जाए और ये यहाँ से वहाँ तक आप कर लीजिए कंप्लीट ये, ये देखिए ऐसे फिर इसके बाद हमारा चार ये पर्पल चलेगा तो ये सारी सिलाई सीधी सीधी बुनी जाएगी। चलो कर लीजिए ये देखिए पूरी सिलाई बन के कम्प्लीट है ये और मैंने ये सीधा बुन लिया है उल्टी साइड आए हैं तो वो ही सेम करना है हमें इसको उतारना है ये फर्स्ट वाले को बुनना नहीं है और इस धागे को पीछे की साइड ले जाके सारा तो और इसमें सीधा सीधा बुनना है इसमें उल्टा उल्टा बुनना है सॉरी ये देखिए उल्टा ये भी सिलाई बुन लीजिए उल्टी उल्टी क्योंकि हमारी लास्ट सिलाई है वो उल्टी ही आती है ये चौथी है ये तो ये भी मैं उल्टी बुन के यहाँ से वहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ देखिए तो हमारा ये एक ये हो गया था पैटर्न और ये एक सिलाई में ये हो गया अब इसके बाद हम फिर पर पर्पल लगाएंगे धागा ये ग्रीन लगा लिया था अब इसके बाद ये लंबा होगा तो कुछ इस तरीके का देखा बहुत सुंदर ये बुनती लगती है देखो इस तरीके का जब लंबा होके तो ये देखिएगा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है तो ये अब अब हमें कहीं कम ज्यादा नहीं करनी है ये तो देखो ये दो दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह 18, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस 38, उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस तो पैंतालीस हमारे इसमें फंदे हैं फोर्टी फाइव और ये अब हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है बस इसके बाद ये सेम बुनती हमारी चलती रहेगी अब हम पर्पल लगाएंगे तो पर्पल की दो सलाइयाँ हम बुनेंगे सीधी ये ये दो सलाइयाँ बुनने के बाद एक को उतारेंगे और एक को बुनेंगे जैसे मैंने पैटर्न बताया था वही सेम रहे देखिए एक बार मैं ये करके बता देती हूँ आपको समझ नहीं आया हो ऐसे करके ये पर्पल का अब चलेगा तो दो सलाइयाँ मैंने ये बुन ली और ये एक को उतार लिया और फिर बुन लिया फिर एक को उतार लिया और फिर बोल लिया फिर एक को उतार लिया बस ऐसे ही हमारा चलेगा दो इधर ये पर्पल और दो इधर भी होने चाहिए वो ग्रीन की जब चलाओगे तब भी दो इधर और दो उधर चार सलाइयों में ये बन के कम्प्लीट होगा दो में हमारे ये दो कलर चलेंगे और दो में फिर ये पर्पल से शुरू कर रही हूँ तो दो पर्पल की रहेंगी फिर ये जैसे हमने नीचे की है सेम ये ऐसा ही करके लंबा कर लीजिए कितना लंबा करना है आगे मैं दिखाती हूँ कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है अब इसी पर ही चलेगा ये ये देखो हमारा बन के ये कंप्लीट हो गया है ये ये मैंने देखो इस तरीका के ये पैटर्न बनेगा कितना सुंदर लग रहा है और ये अगर काउंट करोगे तो मैं दिखा देती हूँ आपको ये नीचे करके ये देखो ऐसे हमें ये दारियाँ काउंट करनी है जो उल्टी उल्टी दिख रही है ना ये ऐसे एक और ये दो दूसरी वाली ग्रीन है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह और ये सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये जो उल्टी उल्टी दिख रही हैं ये बाईस मैंने कर लिए यहाँ तक कर लिया ये पैर का पंजा इतना हमारा आ जाएगा यहाँ तक तो मैंने ये कर लिया इतना कंप्लीट बाईस धारियाँ ये उल्टा उल्टा जो आपको देख रहा होगा ये ये ऐसे ये काउंट करोगे नीचे से ये देखो पहले हमारा ये ब्लू है वो पर्पल है फिर ग्रीन है फिर ये ऐसे करके मैं बता रही हूँ इनको काउंट करनी है तो ये हमारी बाईस हैं एक और फिर इसको दूसरी को यहाँ से ग्रीन वाली को काउंट कर लीजिए जो उल्टी है चार में हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ था तो ये सारा मैंने उल्टी उल्टी जो हमारी ये दिख रही थी उभरी हुई सी ये मैंने काउंट की है ये एक ऐसे दो ऐसे करके तो ये बाईस हैं यहाँ तक फिर इसके बाद हम बनाएंगे तो देखिए पैंतालीस के पैंतालीस के ऊपर भी मैंने ये बढ़ाने के बाद दो सलाइयों में बढ़ाए थे उसके बाद मैंने बताया कि पैंतालीस ही मैंने यहाँ से यहाँ तक किए फिर कहीं कम ज़्यादा नहीं किए अगर आपको यहाँ बढ़ाने में अगर दिक्कत हो रही हो तो शुरू से ही पैंतालीस डाल लीजिए और अपना सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक बुन लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है और समझ ही गए होंगे इनको काउंट करना है जो हमारी यहाँ से है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो दिख रही हैं ये इनको बाईस सलाइयाँ हैं हमारी देखिए इस साइड मैंने ये ग्रीन से किया था अब हम पर्पल से इसको यहीं रहने देंगे अब पर्पल से शुरू करेंगे आगे का और यहाँ हमने अंगूठा बनाना है इस साइड और इस साइड हम उंगलियों का वो बनाएंगे इस साइड अंगूठा रहेगा और इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप दूसरा बनाओ तो इधर उंगलियों का बनाना और इस साइड अंगूठा बनाना है वरना हमारे एक ही पैर के सॉक्स दोनों बन जाएंगे तो मैं इधर अंगूठा बना रही हूँ और इधर उंगलियों का बनेगा हमारा ये वाला और दूसरा वाला इधर अंगूठा बनेगा इधर उंगलियाँ बनेंगी इसका उल्टा कर लेना बस सेम वो कुंडी हमारे सेम ही रहेंगे इधर अंगूठा बनाना शुरू करती हूँ तो देखिए मैंने ये यहाँ पर पर्पल से हम शुरू करेंगे तो यहाँ ये इसको अठारह सलाइयाँ हमें सीधी सीधी बनानी है यहाँ से अठारह सलाइयाँ बना लीजिए अंगूठे के लिए फिर मैं आगे बताती हूँ ऐसे सीधी सीधी बनानी है अब हमें कलर चेंज नहीं करना है बस इसी से ही बनानी है चलो अठारह बना लीजिए ये ये देखिए मैंने अठारह फंदे ये बुन लिए अंगूठे के लिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह फंदे हमारे यहाँ टोटल हो गए हैं अभी हम दूसरी उल्टी साइड आ गए हैं तो इसको पहले फंदे को हम बुनेंगे नहीं बिना बुने ही उतार लेंगे ये देखिए ऐसे करके और ये उल्टी उल्टी यहाँ से वहाँ तक बुन लीजिए ऐसे करके उल्टी उल्टी ये अठारह के ऊपर अठारह उल्टी बुन लीजिए फिर आगे दिखाती हूँ ये देखिए अब देखिए सीधी साइड आए तो सीधी साइड हमें ये एक उतार लेना है और फिर ये कंप्लीट करके उल्टी साइड इधर से उतार लेना है और ये चौदह सलाइयाँ आप बना लीजिए ऐसे ही सात सलाइयाँ उल्टी सात सलाइयाँ मतलब सीधी और इधर से हमारा सीधा सीधा ही रहेगा चौदह सलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे दिखाती हूँ ये देखिए चौदह सलाइयाँ मैंने बुन ली हैं ये सीधा सीधा बुना है और एक ही कलर से बुना है अगर आप इधर से देखोगे तो ये सात देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात और ऐसे अगर काउंट करोगे तो चौदह क्योंकि हमने एक उतारा था तो ये आधे हो जाते हैं इधर किनारे पे और ये चौदह सलाइयाँ बुन ली हैं टोटल काउंट करके कर, कर लीजिए और ये हमारा बनकर कंप्लीट है कंगठा इसके बाद हम घटाएँगे तो एक ही ऐसे ही उतार लेंगे उसके बाद दो हैं ये देखिए एक हमने उतार लिया है और दो का एक कर देंगे हम ये ये देखिए दो का एक कर दिया और फिर हम दो का एक कर देंगे ये ऐसे ही करके हमें दो का एक करते जाना है इधर से ऐसे करके ये और ये ऐसे करके तो हमारे थोड़े आधे हो जाएंगे ये हम घटा लेंगे यहाँ से लेके कर यहाँ तक दो दो करके ये देखिए दो दो करके मैंने घटा ली है लास्ट में एक आया था तो मैंने ये सीधा बुल लिया है तो हमारे ये दस फंदे रह गए हैं घट के अब हम इसको ऊन को कट कर देंगे थोड़ी ज़्यादा लंबी करेंगे क्योंकि हमें ये उसमें उतारने हैं ये देखिए मैंने सुई में ये धागा डाल लिया है ऐसे करके दिखा देती हूँ ये ये डाल लिया है अब इसको हम धागा डालने के बाद ऐसे करके ये इधर से धागा डाला है तो इधर से हम इनके अंदर ले जाके ऐसे ऐसे निकाल देंगे ये कुंडे सारे इसको ऐसे कर लेंगे ये फिर इसके अंदर निकालेंगे सारे हम निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर डाल के बहुत इजी है ये ये देखो ऐसे करके ये मैंने सारे निकाल लिए हैं इसके अंदर ऐसे फिर हम ये सलाई को निकाल देंगे सलाई को निकालने के बाद हम इसे टाइट खींच देंगे ऐसे करके तो हमारा अंगूठा बन जाएगा ये और एक बार हम और इसके अंदर से घुमा देंगे तो पक्का हो जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर से ऐसे डाल के जहाँ जहाँ हमारे कुंडी दिख रही हैं इनके अंदर सबके डाल के एक बार फिर बाहर की साइड निकाल देंगे ये ऐसे तो ये पक्का हो जाएगा ये ऐसे ये देखिए यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे ताकि निकले ना ये ऐसे करके और इस धागे को यहीं छोड़ देंगे अभी इसको छोड़ देंगे फिर क्योंकि हमें ये बाद में सिल लेंगे इसको अंगूठे को तो ये धागा मैं इसको छोड़ दे रही हूँ यहीं और हम यहाँ से बुनना चालू करेंगे हमारी उंगलियों का जो हिस्सा है वो अंगूठा बन तो कम्प्लीट हो गया है देखिए हमारे जो ये फंदे बचे हैं ये ये सत्ताईस फंदे बचे हैं तो इन पे मैं पर मैं बुनना शुरू करूँगी पर्पल लगा के अब देखिए यहाँ से हम पर्पल पर लगाएंगे तो ये दूसरा धागा मैंने लगा लिया है ये ऐसे करके और ये सीधा ही बुनेंगे ये ऐसे करके पूरी सलाई नहीं बुननी है हमें ये धागा मैंने डबल करके ले लिया ताकि हमारा निकले नहीं साथ में बुनता चला जाए इसलिए देखिए हम बारह बनाएंगे सीधे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और बारह ही हम इधर भी रखेंगे तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तीन हमारे सेंटर में आएंगे फंदे तो हम इनको क्या करेंगे इनको नहीं है हमें तो ये ऐसे करके ये लेंगे और ये जो हमारा बीच का फंदा है इसको छोड़ देंगे और ये जो इधर का फंदा है इसको हम इस पर डालेंगे और ये जो ये बीच का फंदा है ये ऊपर से ऐसे डाल लेंगे ऐसे डाल के हम इन तीनों फंदों को ऐसे घटा देंगे ये इस तरीके से हमारे घटने लग जाएंगे यहाँ और जी ये घटाने के बाद जो हमारे फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे करके सीधा सीधा यहाँ से सी यहाँ तक बना लीजिए ये देखिए सारे सीधे सीधे वो बीच में ही हमें सेंटर में घटाने हैं ये सारा कंप्लीट कर लीजिए ये देखिए लास्ट में भी मैंने सीधा बुन लिया है अब हम उल्टी साइड आए हैं तो उल्टी साइड जब आप आइए तो ये बिना बुने एक उतार लेना है उल्टी साइड और ये सारे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे ये मैंने उतार लिया है इसको नहीं बुना है और बाकी की हम उल्टा उल्टा पूरी सलाई बुन लेंगे यहाँ से लेके कर यहाँ तक चलो बुन लीजिए फिर सीधी आती है तब फिर मैं दिखाती हूँ ये देखिए उल्टा उल्टा बुन रही हूँ देखिए ये बना के मैं सीधी साइड आ गई हूँ तो ये सीधी साइड हमें इधर से उतार लेना है और इधर का फंदा हमें उल्टी साइड उतारना है और फिर ये जो फंदे हमारे हैं अब हम इनको सीधा सीधा बुनेंगे जहाँ तक हमने घटाया था दो दो करके हमें घटाने हैं ये कम होते जाएंगे हमारे तो ये देखिए जहाँ हमने घटाया था फिर हम वैसे ही घटाएंगे अभी सेंटर में आएगा तब ये देखिए ये आ गया है हमारा ये घटा हुआ ये तो हम भी फिर करेंगे इसको इधर भी एक छोड़ लेंगे ये सेंटर में ये जो घटा हुआ है इसके पहले एक इधर भी छोड़ लीजिए एक इधर तो हम इसको ऐसे उतारेंगे और ये ऐसे करके फिर जो हमने आगे का था उसको पहले डाल लेंगे और इसको निकालने के बाद फिर ऐसे करके ऊपर से डालेंगे और फिर ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे करके ये देखिए तो हमारे घटते जाएंगे ये यहाँ से यहाँ तक फिर फिर बुन लीजिए अब देखिए उल्टी सलाई फिर ये एक फंदा उतारने के बाद ये उल्टी उल्टी यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए फिर सीधे साइड फिर हमें वही घटाने हैं चलो कर लीजिए कंप्लीट देखिए फिर एक बार बता देती हूँ मैं उल्टी साइड हमें घटाना कहीं नहीं है उल्टी साइड उल्टी ही सलाई ही बुननी है और ये फिर आ गई हूँ मैं जहाँ से सेंटर में जहाँ हमने ये कटाया था तो ये एक इधर छोड़ देती हूँ इसको ऐसे निकालेंगे और ये पीछे की साइड इधर ये डालेंगे और ये जो हमारा सेंटर का है ये इसके ऊपर डालेंगे और तीनों को एक साथ घटा देंगे ये देखो ऐसे करके ये ऐसे ही घटा लीजिए और ये ऊपर हमारे तेरह बचे फंदे तब तक हम घटा लेंगे तब तक घटाते जाएंगे फिर आगे दिखाती हूँ मैं देखिए ये हमारा बनके कंप्लीट है ये तो ये तेरह बचे हैं ये देखो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये काउंट करोगे तो ये भी आपको तेरह ही नज़र आएंगी और यहाँ उल्टी साइड हम इसको ये घटा देंगे सारे बंदे हम घटा देंगे तो ये ऐसे दो ये दो कुंडे लिए एक साथ घटाया और ये घटाया हुआ भी हमने इसके ऊपर डाल दिया फिर दो को एक साथ ऐसे ही करके हम यहाँ से यहाँ तक घटा लेंगे देखो दो को एक साथ लेंगे ऐसे करके और फिर इसको इसके ऊपर ही डाल देंगे ये हमारे सारे कुंडे ऐसे ही घट गट जाएंगे घटाने तो आते ही होंगे सबको चलो घटा लीजिए दो दो करके ये देखो ऐसे फिर इसके ऊपर डाला फिर ये दो ये इस तरीके से अब अम देखिए हमारे बन के कम्प्लीट है दूसरा जब आप बनाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिए जिधर हमने अंगूठा बनाया उधर ये उंगलियों का साइड बनानी है बस वही सेम बाकी कुंडे व सेम रहेंगे हमारे और ये हम पहले अंगूठा सिल लेंगे ये ऐसे करके ये जो हमारा धागा पड़ा है मैंने लंबा कट किया था तो यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए यहाँ से लेके यहाँ ले तक फिर मैं आगे दिखाती हूँ देखिए अंगूठा मैंने सिल लिया है और ये एक रो ग्रीन की यहाँ तक से लिया जहाँ तक ये हमारा खुला था यहाँ तक मैंने से लिया रो से रो मिला के लिया अब हम इसको पंजे को ये वाला सिलेंगे उंगलियों वाला तो मैं इसको यहाँ ये धागा लगा के ये सारा हमें बंद करना है पहले ये बंद कर लेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे मिला के सिलेंगे यहाँ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा फिर ये हम थोड़ा यहाँ भी सिल लेंगे ऐसे और इसका ध्यान रखना है कि ये जो हमने बनाई हैं धारियाँ ये एकदम अटैच होनी चाहिए ब्लू के साथ ब्लू और ग्रीन के साथ ग्रीन चलो सिल लीजिए पहले ये यहाँ तक सिल लीजिए खुला है ऐसे और फिर ये यहाँ पर बंद हो जाएगा ऐसे फिर ये भी सिल लीजिए ये देखिए मैंने सिल लिया है ये जो हमारा ये दिख रहा है पर्पल वाला यहीं तक अंगूठा से लिए ये और फिर उसके बाद ये धारियों से धारियाँ मिला के मैंने सिल ली ये धारियाँ काउंट करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ तक मैंने ये सिल ली हैं और बाकी ये छोड़ दिया है और पहनने के बाद आप देख लेना ढीला टाइट जैसा भी हो और फिर हमें इधर सिलना है ये जो हमारा खुला हुआ है ये और हमने जो ये फंदे यहाँ से उठाई थी इससे हमारी गुलाई बहुत अच्छी आएगी तो मैं इसको भी ऐसे उल्टा करके उल्टी साइज से ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए ये देखिए मैंने सिल लिया है पूरा कंप्लीट हो गया है और ये मैंने दस रो तक सिल लिया है ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस आप पैर डाल लीजिए आपका जैसी फिटिंग आ रही हो उस हिसाब से सिल लीजिए और पीछे का ये देखो हमने फोल्ड करके ये दिखाया था ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिल लिया ऐसे करके ये और बस ये हमारा कंप्लीट है ये देखिए जिसको क्रोसियाँ चलानी आती हो तो मैं ये यहाँ आउटलाइन करूँगी वो दिखा दूँगी अगर नहीं आती हो तो ये ऐसे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है देखिए अब हम आउटलाइन कर लेंगे इस पर हमारा सॉक्स बन के तैयार है बहुत सुंदर ये सॉक्स बनता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये देखो जैसे हमने इस पर ये आउटलाइन की है क्रोसिया से मैं वैसे ही इस पर भी कर लूँगी ये तो मैंने टेन के बाद ये जॉइंट करा है यहाँ आपका पैर देख लेना जैसा आपकी फ़िटिंग आती हो उस हिसाब से जॉइंट कर लीजिए तो क्रोसिया चलानी आती हो तो बना लीजिए आउटलाइन बनाइए ऐसे भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है तो यहाँ जो हमारे बीच का था ये यहाँ से हम शुरू करेंगे यहाँ से डालेंगे क्रोसिया को ये और ये धागे को पीछे की साइड पकड़ लेंगे ये ऐसे करके और इसमें चैन बनाना शुरू कर देंगे ये दो चैन बनाएंगे एक दो तीन बना लीजिए शुरू में तीन बना लेंगे हम और फिर इसके बाद सेम इसी जगह डाल के थोड़ा सा आगे डाल के फिर डबल क्रोसिया बनाएंगे हम ये डबल क्रोसिया बना लिया ये डबल क्रोसिया बना लिया फिर अगली चैन में यहाँ ग्रीन वाले पे हम डालेंगे और डबल क्रोसिया बना लेंगे फिर उससे यहाँ डालेंगे पहले यहाँ डालेंगे फिर यहाँ डालेंगे फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे डबल क्रोशिया हम देखो तीन है तीन से दो और दो से एक कर देंगे ऐसे करके फिर हम पर्पल में डालेंगे आप देखते जाइए जैसे आपका खिंचाव ना पड़े उस तरीके से बनाते जाइए ये देखिए ऐसे करके और फिर हम ग्रीन पर डालेंगे अगर आपको खिंचाव लग रहा है तो मतलब दो दो करते जाइए कहीं कहीं दो दो वरना एक एक करते जाइए एक यहाँ किया मैंने देखो पर्पल पर पे। अब ग्रीन वाले पर कर रही हूँ मैं कहीं कहीं एक में दो करने वरना एक ही करके देख लीजिए जैसा सही लगे तो देखिए एक ये कर रही एक यहाँ किया मैंने फिर ये ग्रीन पे कर लिया फिर दो ये पर्पल पे कहीं कहीं आप कर लीजिए ऐसे यहाँ से ले कर यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया कर लीजिए कहीं कहीं दो कर लीजिए वरना एक ही अगर ज़्यादा ये झोल आएगी तो सही नहीं बनेगा इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए खिंचावना पड़े एक एक कर करना कहीं कहीं दो दो कर लेना जहाँ लगे आपको देखिए हमारा राउंड बन के कम्प्लीट है ये मैं लास्ट में आ गई हूँ तो ये चेन से हमें यहाँ जॉइंट कर देंगे और ये इसमें डाल के सिंगल क्रोसिया बना लेंगे इसमें हम डालेंगे धागे को ऐसे और ये सिंगल क्रोसिया बना लेंगे अब हम तीन चैन लेंगे यहाँ एक दो तीन चार तीन चैन लेंगे सॉरी चार कर ली मैंने तीन चैन लेके इसी चैन में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किए इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे तीन चैन ले तीन चैन लेने के बाद फिर हम ये यहाँ हाँ यहाँ एक दो तीन एक दो तीसरी में डाल के सिंगल क्रोसिया कर देंगे ऐसे करके ये देखिए और फिर तीन चैन बनाएंगे दो तीन और फिर यहीं सेम जगह डाल के डबल क्रोसिया कर देंगे पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है और फिर हम तीसरी में डाल के एक दो तीस तीसरी में डाल के हम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और फिर तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाने के बाद यहीं सेम जगह डाल के डबल क्रोसिया कर देंगे चलो ऐसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए तीन तीन की हमें ये चैन बनानी है और एक डबल क्रोसिया करके सिंगल क्रोसिया जहाँ किया है वहीं जॉइंट करना है और दो स्किप करके थर्ड में हमें बनाना है तो मैं ये दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का हमारा आया था ये इसमें झूल नहीं आनी चाहिए ये देखो तो हमारा कुछ ये दूसरे पैर का मैं दिखा रही हूँ आपको ये देखो ऐसे पैटर्न बनेगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा पैर ये ऊपर तक जिसको नहीं आती कोई बात नहीं इसकी भी कर सकते हैं वैसे भी ये अच्छा लग रहा है जब कुर्सी चलानी आती है वो कर लीजिए तो देखिए हमारा बन के कम्प्लीट है कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा ये देखिए ये सॉक्स बहुत अच्छी फिटिंग आती है दूसरा जब बनाइए तब आप इसको ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही पैर का नहीं बनाइए जिधर से हमने अंगूठा स्टार्ट किया था उधर से इधर के कुंडे करने हैं सेम कुंडे रहेंगे कोई कम ज़्यादा नहीं करनी है और बस सिलाई करते हुए ध्यान रखना कि ये देखो मैंने की है जैसे यहीं तक करनी है ये अंगूठा यहाँ तक जोड़ना है हमें ये रो नहीं जोड़नी है ये ग्रीन वाली बाद में मैंने जोड़ी है यहाँ तक ये जॉइंट करने के बाद और फिर ये यहाँ तक और फिर ये दोनों को ठा के और यही मैंने बताया ही था यहाँ तक जोड़ लीजिए और ये एडी फिटिंग बहुत अच्छी आती है ये देखो और इसके क्या कहते हैं बाद में हल्का सा खुलेगा भी अगर हल्का सा लग रहा हो ये पाँच और छः नंबर का साइज़ है बहुत अच्छा सॉक्स बन के तैयार हुआ है ऐसा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हरे कृष्णा